So, Seekers, welcome to MTV Dark Show. Thank you, sir. Angel, आपने आज ब्लैक पहना है? Yes, sir. ये अच्छा तो बहुत लग रहा है, but आपको पता है कि ब्लैक रंग जो होता है मना करते हैं शाम को अंधेरे में रात को पहनने के लिए. You know why? Why? I've just found out that they are like a entity blockers, like they not blockers, sorry, they attract entities. So कल enough entities attract कर ली मैंने आज के लिए हो गया मतलब हाँ अब हो गया मुझे आपने भी ब्लैक पहना है बट आप इसको थोड़ा स्पेसिफाई करके बताइए ना कि क्या है क्यों बोलते हैं ऐसे कि शाम को ब्लैक नहीं पहनना चाहिए अंधेरे में आई थिंक इफ आई मे मैंने भी पहना हुआ है ब्लैक एक्चुअली मैं इसलिए नहीं पहन के कुछ ब्लैक बट इट्स अ सुपरस्टिशन जो कि रूट हुआ है काफ़ी काफ़ी पहले गांव में पहले लाइट्स नहीं हुआ करती थी और इसलिए मना किया जाता था कि डार्क कपड़े नॉट ओनली ब्लैक एनीथिंग डार्क यू आर नॉट सपोज टू वेयर एट नाइट क्योंकि जो साइकिल से आ रहे हैं कोई भी आ रहे हैं तो उनको दिखेगा नहीं कि सामने कौन चल रहा है और एक्सीडेंट होगा एंड बहुत कुछ हो सकता है एनिमल्स भी जो होते हैं डार्क में वो शायद ना देख पाएँ या फिर यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स के अगर आप रात में पहन के जाओगे तो आपका सेफ्टी ज़्यादा मैटर करता है नॉट फ्रॉम द स्पिरिट्स नॉट फ्रॉम द एंटिटीज बट फ्रॉम द अलाइव वंस टू सेकंड्स एंजल आई एम सॉरी आप ब्लैक पहन सकते हो इट्स अ मिथ पूजा आप तो पहन ही सकते हैं कुछ आप तो कोई भी कलर पहन सकते हैं कुछ ऐसी नहीं है और ऐसे क्या क्या मिथ है या कुछ लेजेंड्स है क्या सच है आर दे मोर एंटिटी मैग्नेट्स या एक माना जाता है इस खुले बाल या खुले बाल एंड परफ्यूम आल्सो आई थिंक खुले बाल इज इट ट्रू और ये मिथ है I'll give you an in-depth, you know, ki kya reason hai iske behind, and then I'll leave it on everyone to decide what they want to believe in. Kyunki hume ye lagta hai, you know, ki har cheez ka apna perspective hota hai. So the perspective jisse hum sabse zyada resonant hai, main wo share karti hu. Abhi jo hamare baal hai, our hair are actually like antennas of the human body. They are literally an extension of the central nervous system. तो ये इंफॉर्मेशन बहुत गैदर करते हैं एनर्जी यू नो थ्रू द एनर्जी दे कैन गैदर इंफॉर्मेशन अगर देखा होगा लेकिन यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि पहले ज़माने में इफ़ द टाई एंड यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर देना अपने बालों को सो दे यूज टू हार्नेस सोलार एनर्जी इन द डे एंड लूनार एनर्जी इन द नाइट तो लिटरली एनर्जी यूज टू फ्लो थ्रू देयर क्राउन चक्रा उनके पीनियल ग्लैंड में जाके फ्लो इन टू देयर बॉडी सो दैट काइंड ऑफ रिजुविनेट्स एंड एक्टिवेट्स द एंटायर नर्वस सिस्टम एंड इट कूल्स एंड काम्स इट डाउन एट नाइट तो जस्ट यू नो ब्यूटी एंड फैशन के अलावा देर इज अ लॉट ऑफ इन डेप्थ रीजनिंग ऑफ यू नो द प्रेजेंस ऑफ द हेयर अब जहाँ एंटिटीज आर कंसर्न्ड Now from what we believe is that कि अगर कोई खुले बाल छोड़ के जा रहा है ऐसा नहीं है कि entities उनमें attract उनकी तरफ attract हो जाएगी it's more about कि क्योंकि ये antennas खुले छोड़े हुए हैं so they are going to get the flow of information more profoundly so there is a very you know high possibility कि अगर वो कोई ऐसी जगह से जा रहा है which is haunted या if there are any entities तो जो उन्हें ना सेंस हो नॉर्मली वो भी सेंस हो सकता है सो इट इज़ मोर कि उनका खुद का डर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है दैन द एंटिटी एंड पहले ज़माने में लाइक इवन नाउ इट्स लाइक अगर आपको कोई चीज़ करानी है आप कैसे कराओ आप उसके उसको लेके डरा दो कि ये नहीं करना है नहीं तो ये हो जाएगा तो अपने बाल बांध लो नहीं तो भूत चिपट जाएगा यू नो सो दिस इज़ वॉट वी फील दैट दिस इज द रीज़न बिहाइंड अनदर रीज़न इज अगेन बैक इन द डे जब बाल खुले करके अगर आप जंगलों में जाओगे अबैंडन लोकेशंस में जाओगे तो आपको तब टॉर्चेस नहीं होते थे लैंटर्न पकड़ के जाते थे कैंडल पकड़ के जाते थे तो हो सकता है कि अगर कोई ब्रांच है और आपको दिख नहीं रहा है अगर आपके बाल खुले तो वो अटक जाएंगे वहाँ पे क्योंकि आप एनी वे डरे हुए होंगे क्योंकि वो हॉन्टेड लोकेशन है तो आपको और डर लगेगा एंड अगेन डर आपको और भी हम पहुँचाएगा तो तब बीमार बोला जाता था कि बांध So there's a like a high possibility ki insaan dar ke and bhage and maybe hit by a vehicle or something lekin ye cheez phail jayegi ki bhoot ne mara yeah I mean your imagination kills you first yeah, yes. yeah. True.
there's one more thing I've heard that raat ko crossroads pe nahi jana chahta. Yeah. Because it's like a link between like a natural normal world and the paranormal world. Is it true? Two reasons behind it. Sabse pehle to when it comes to a crossroad from an energy point of view, it's like an intersection point. So agar hum raste ko agar ek pathway samjhe for entities or energies, then when they are meeting, the energy is very high. Another very silly thing and funny thing is ke our human mind cannot comprehend ke char direction mein kahan se gaadiyan aa rahi hain, to isse aap beech mein mat khade ho jao, dekh lo aise bhi nahi khade ho. So humko pata nahi chalega ki yahan se aa rahi, wahan se aa rahi, yahan se aa rahi, wahan se aa rahi. So it's better not to stand there. These are two things, but I think hamare hisab se the research that we have done is ke every superstition jo hai abhi filhal India mein ho gaya, duniya mein ho gaya, वो शुरू किया गया था कोई चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए, लेकिन विद टाइम एंड जनरेशन एंड पासिंग ऑन द स्टोरीज वो अभी बन गया है डर कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा. एंड क्रॉस रोड इज वन सच एग्जांपल. ऐसा भी बोला जाता है कि मीठा खा के नहीं जाना चाहिए. अभी क्या होता है कि सी अगेन आई नो बार बार मैं ये बोलूँगा कि पहले ज़माने में, बिकॉज ये सब तब से ही शुरू हुआ है. अभी अगर मतलब देर इज नथिंग जो कि ऐसा कोई सुपरस्टिशन नहीं है जो कि 2024 में चालू हुआ है. yeah. उस सब पहले से ही हम लोग मानते आ रहे हैं. हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, हमारे दादा परदादा बोलते थे, उनको किसी ने बताया होगा. शुगर का अगेन बेसिक क्या होता है कि तब शुगर टेस्टिंग मशीन तो होते नहीं थे कि आपको डायबिटीज़ है नहीं है, अगर आपने खा लिया बाहर निकल गए, आप में अगर हाई शुगर स्पाइक हो गया तो बचाने के लिए कोई नहीं होगा. सो बोलते थे कि नहीं करो वो सब चीज़ें. इसलिए तो नहीं कहते थे कि घर में मिठाई नहीं खाओ क्योंकि हलवाई की दुकान पे जाके मिठाई खाओ. उसको अपनी दुकान चलानी थी. लेकिन सर जिस तरीके से आप उस दिन कह रहे थे कि मैं रात को नेल्स नहीं काटूंगा, दैट इज ऑल्सो सुपरस्टिशन एक्चुअली. क्योंकि बैक इन डेज रात को नाखून काटना, बिकॉज बैक देन उनके पास नेल कटर था नहीं और बहुत अंधेरा होता था, तो पॉसिबिलिटी थी कि आपकी उंगली भी कट सकती है. तो तब से ये सुपरस्टिशन शुरू हुआ और एनीथिंग जो कि हमारी ऑरिक फील्ड को अफेक्ट करे इज डेंजरस फॉर अस. सो इट्स लाइक यू नो हम बोलते हैं जैसे ध्यान करो, मेडिटेशन करो, बिकॉज वो हमारी ऑरिक फील्ड को स्ट्रेंथन करती है. एंड फ्रॉम व्हाट वी बिलीव हमारी ऑरा इज आवर मोस्ट पावरफुल शील्ड, नथिंग इज मोर पावरफुल. तो आपको उसको मेंटेन रखना है, उसकी स्ट्रेंथ को हाई रखना है. सो एनीथिंग जो आपकी ऑरिक फील्ड को लो करे या आपकी कॉन्शियसनेस को लो करे इज हार्मफुल फॉर यू, बिकॉज वो एक एम्प्टी पॉकेट्स बना देती है इन योर ऑरिक फील्ड. सो भले वो स्मोकिंग हो या फिर अल्कोहल हो या ड्रग्स हो, इवन एक्सट्रीम इमोशंस, इफ़ यू आर नॉट मैनेजिंग योर इमोशंस एंड अगर बहुत आप डिप्रेस्ड एंड लो स्टेट में, इट विल क्रिएट पंचेस इन योर ऑरा एंड वो आपको और वल्नरेबल कर देगा. सो या दिस इज ट्रू. एनीथिंग दैट अफेक्ट्स योर कॉन्शियस माइंड ओपन्स अप द ऑरिक. सीकर आप लोगों के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? लेकिन सर मैंने बहुत कुछ सुना है. सुना है? हाँ, जैसे कि लाइक सोते वक्त बेड के सामने में मिरर नहीं होना चाहिए, ये भी सुना है. हाँ, लाइक बेड को फेस करते हुए मिरर नहीं होना चाहिए. हाँ जी, पर आपके बेड के सामने है, आप सुबह उठती बेड के साइड है सर. आपने साइड में रख. हाँ, आप उठते ही उठ के देखती हैं, उठते ही डर जाऊंगी मैं. We had a case actually, the same thing. Really? Yep. So हमें investigation करने के लिए बुलाया गया था एक घर में जहाँ पे उनको entities दिखती थी and बहुत visually दिखती थी. एक example अगर मैं दूँ तो जो उनके घर की जो बेटी थी, she was having a COVID का time, जब online session चल रहा था उनका, तो she was sitting and अपने dining table पे and session चल रहा था and she didn't notice, but जो online जिनके साथ थे वो, they noticed के कुछ black shadow पास गया उनके पीछे से. और ये रात का 2 बजे की बात है, तब सब कोई सो गए थे. तो दे इन्फॉर्म्ड, कह रहे तेरे पीछे से कोई गया, तेरी मम्मी थी, कोई तो था. एंड शी वाज लाइक नो, एवरीवन इज अस्लीप, देयर इज नो वन इन माय रूम राइट नाउ. सो देन शी इग्नोर्ड, क्योंकि पढ़ाई चल रही थी, जो भी चल रहा था. देन धीरे धीरे ये भी हुआ कि उनका बेडरूम का जो डोर था, इट वॉज अ स्लाइडिंग डोर.
तो मदर एंड द डॉटर वर स्लीपिंग वन नाइट एंड दे हियर सम साउंड एंड दे वेक अप टू सी के वो जो स्लाइडिंग डोर है वो अपने आप ऐसे स्लाइड हो रहा है, अपने आप वो स्लाइड हो रहा है, खुल रहा है उनके सामने. एंड दे थॉट कि शायद कोई मजाक कर रहा है. उनके घर वाले बाहर जाके देखते हैं तो कोई नहीं है, सब सोए हुए हैं. सो व्हेन वी गॉट द कॉल के आप आओ आप इन्वेस्टिगेशन करो, एक चीज़ ये हुआ बहुत फनी हुआ कि हम लोग ईमेल में ये कॉन्वर्सेशन करते हैं. एंड द डे वी डिसाइडेड कि हम लोग जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, शी गेट्स अ ड्रीम वेयर हर डेड नानी इज सेइंग के अच्छा ये लोग आ रहे हैं, ये लोग मुझे निकाल तो नहीं देंगे ना क्योंकि मुझे यहाँ से जाना नहीं है. नाउ व्हेन शी सेड दैट एंड शी रोट ऑन द ईमेल के यू नो वी आर वरीड के नानी अगर है तो नहीं जाना चाहिए, वी सेड के दैट्स अ रेड फ्लैग. नो गुड सोल, नो ह्यूमन सोल वुड बी इंटरेस्टेड टू stay stuck, they'll always try to move on. So this is not your nani, this is some entity that is that has come up as your nani, and is taking permission from you to stay back. So agar aap so bhi rahe ho, be conscious ye bol ke ki aapko kuch bhi permission nahi dena. And the very next day we left for the investigation. Jab hum investigation kar rahe the humne notice kari ki unke gharon mein jo 7-8 activities hui thi har ek activity ke samne there was a mirror, wo jo उनको शैडो दिखा उनके सर के ऊपर एक मिरर था. आई हैव अ पर्सनल क्वेश्चन, डू यू थिंक समटाइम्स दीस एंटिटीज इंस्टेड ऑफ हार्मिंग यू दे हार्म योर पेट्स, और द पेट्स हैव सो मच अवेयरनेस ऑफ द अननोन दैट दे पिक दिस एंड दे सेव यू? द पेट्स एक्चुअली आर वेरी सेंसिटिव, वी हैव गॉट कैट्स एंड दे आर बेटर साइकिक्स देन अस देन टू यू. They sense entities before Pooja can, and it's not ke wo log harm kar rahe hain, but they just react because of course they are pets, so they are very loyal to their owners. And koi bhi agar alien ghusta hai, not alien really, yes. Alien but foreign entity, so wo react karenge and they react sometimes, but sometimes few entities jo ki bure hote hain, evil hote hain, dark hote hain, they know ke aapka emotional connect kya hai wo pets ke saath. And they know कि अगर pets के साथ कुछ भी होगा तो आप affect होने वाले हैं. So do you think it could be a warning, like if you have a pet and there's a place you're about to reach next morning and that pet dies, so is it a warning from the entity? It could be, or it could be something else as well. But I think pets do sense something. They have this thing. Of course, जैसे कि pets जो भी होते हैं उनके एक तो उनका vision बहुत wide होता है. The human eyes, they can only see vivid colors. So मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ. I got a house in Goa a few years ago, and my pets, two of my pets reached, and they were supposed to leave on a day. And I'm pretty intuitive, and I called my team, my boys, said, you know, इनको दो दिन के बाद लेके जाना. But because of the commotion and the busy schedule of everyone, I think they forgot to relay that message to others. मैंने बताना भूल गए वो लोग. एंड एक दिन के बाद मैंने फ़ोन किया कि प्रकाश को कि हम लोग साथ में जाएंगे कल डॉग्स को लेके आएंगे. इसे मैं तो गोवा पहुंच गया. सो आई डॉक्टर ऐसे नहीं हूँ किसी को, बट आई वुड लाइक यार मैंने बोला था कि साथ में लेके जाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज सपोज्ड टू गो एंड स्टार्ट लाइक लिविंग इन दैट हाउस. एंड मॉर्निंग 4:30 आई गॉट अ कॉल, माई फ्रेंड्स पुल्ड आउट Brando, fit as like as a fox or as a rabbit, and he couldn't make the morning, he couldn't make the first morning. So of course it was a big loss. Losing a pet is like very very. So it kind of kept. I just kept thinking there was a forest behind, and of course other people, elders, family members, everyone had a different story. Yeah. So I kept making stories of. What could it be? Like, how can such a fit dog, you know, his youth just goes and dies like that? So, yeah. Sarba, yep. Thank you, Sarba Jeet, Pooja. Thank you. Thank you for your stories and your experience. Thank you so much. Thank you.